इधर टूनी चिड़िया अपने सभी ग्राहकों को गरम गरम चावल के साथ फिश करी परोस देती है। कालू की नजर चिड़िया के फिश करी पर थी। सभी पक्षी एक एक करके फिश करी खाकर चिड़िया को पैसे देकर चले जाते हैं। कालू कौवा तो देखते ही रह जाता है। वो भागा भागा चिड़िया के ठेले के पास जाता है और चिड़िया से कहता है, ओ छोटी चिड़िया, गौरी ने तो अभी तक फिश करी बनाया ही नहीं। प्लीज एक प्लेट चावल और फिश करी मुझे भी खिला दो। मैं तुम्हें नगद पैसे दे दूंगा, फ्री में नहीं खाऊंगा। फिर चिड़िया कालू कौवे को नीम वाले करवी, फिश करी और चावल दे देती है। कालू कौवा जैसे ही फिश करी और चावल खाता है उसका तो मुंह करवा हो जाता है। वो जल्दी से पानी पीता है और तभी कालू कौवा चिड़िया से कहता है, चिड़िया कितने बुरे फिश करी है ये, क्या मिलाया है इसमें, ये तो खाया भी नहीं जा रहा और ये बाकी पक्षी कैसे खाकर चले गए। तभी टूनी चिड़िया कहती है, कालू भैया ये जरा सीक्रेट रेसिपी है, मगर आपको बता देती हूँ। मैं इस फिश करी में नीम का लिक्विड सिरप मिलाती हूँ, बस यही वजह है कि सबको मेरी फिश करी बहुत पसंद आती है। कालू कौवा तो हैरान हो जाता है और भागा भागा अपनी पत्नी के पास जाता है और गौरी से कहता है, गौरी मुझे चिड़िया का स्वादिष्ट फिश करी का राज पता चल गया। वो तो खुद अपने फिश करी में नीम वाली लिक्विड सिरप मिलाती है, इसलिए तो मेरा चाल कामयाब भी नहीं हुआ। अब आज से हम भी रोज ये नीम सिरप मिलाया करेंगे। तभी गौरी कहती है, वो तो ठीक है, मगर चिड़िया को कैसे भगाएंगे? सबसे बड़ी मुसीबत तो वही है जो हमारी फिश करी कभी नहीं फेंकने देगी। आज रात मैं फिर से चिड़िया के घर जाऊंगा और उसके मसाले में बालू डाल के आऊंगा। फिर तो सभी ग्राहक बालू वाले फिश करी खाकर चिड़िया को खूब मारेंगे और उसे भगा देंगे यहाँ से। ऐसे कालू और गौरी तो बहुत खुश होते हैं और रात होते ही कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और उसके मसाले में बालू डाल देता है। अब देखूंगा कैसे सब ये बालू वाले फिश करी खाते हैं। कालू कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, मगर चिड़िया झट से अपनी आंखें खोलती है। कालू कौवे, तुम क्या मुझे पागल समझते हो जो मैं सोऊंगी और तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगी। मैं तुम्हारी हर चाल को समझती हूँ, अब देखना कैसे तुम्हें मजा चखाती हूँ। टूनी चिड़िया अगले दिन अपना ठेला लगाती है और सभी पक्षियों को गरम गरम चावल के साथ फिश करी परोस देती है। आज तो फिश करी सभी पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। फिर सभी पक्षी चिड़िया की खूब तारीफ करते हैं। तभी तोता कहता है, चिड़िया बहन आज तो आपकी फिश करी खाकर मजा ही आ गया, आप क्या मिलाती हो। इधर कौवे के दुकान पर कुछ अनजान पक्षी आते हैं। कालू कौवा उन्हें जल्दी जल्दी फिश करी और चावल परोस देता है। वो नीम वाली फिश करी खाकर थूक देते हैं। थू थू, ये भी कोई फिश करी है, कितना घटिया स्वाद है। चलो भाइयों, हम उस चिड़िया के पास चलते हैं, वहाँ भीड़ लगी है। अभी गौरी कहती है, रुको रुको, हमारे पैसे दो, दे दे दे।
तभी मिट्टू तोता कहता है, इतने घटिया फिश करी के पैसे मांगती हो? हम दूसरे देश के हैं, वरना तुम्हें मार मार के फिश बना देते। फिर वो सभी पक्षी चिड़िया के ठेले पर चले जाते हैं और जल्दी से गर्मा गर्म फिश करी खा लेते हैं। तभी गौरी कहती है, कालू, आपने मसाले में बालू मिलाए थे या फिर स्वादिष्ट मसाला? देखो तो सब कैसे उंगलियां चाट गए और हमारे फिश करी थूक कर चले गए। तभी कालू कहता है, अभी जाता हूँ चिड़िया के पास और फिश करी खा कर आता हूँ। मैंने तो बालू ही मिलाया था। कालू कौवा तुरंत ही चिड़िया के ठेले के पास जाता है और चिड़िया से नगद फिश करी खरीदता है। चिड़िया बालू वाली फिश करी कालू को दे देती है। कालू कौवा मुंह बनाते हुए सब खा लेता है और चिड़िया से कहता है, चिड़िया, इस फिश करी को सब पक्षी स्वादिष्ट बोलते हैं। थू थू, इनका स्वाद बालू जैसा है। तभी चिड़िया कहती है, धीरे 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 बोलो कालू भैया, ये सीक्रेट है, सबको बहुत पसंद आता है। अब से आप भी मिलाया करें, फिर आपके फिश करी भी मेरे तरह ही बिकेंगे। कालू कौवा चिड़िया के बातों में आ जाता है। अगले दिन अपनी फिश करी में बालू मिला लेता है। अब देखना गौरी, सब पक्षी हमारे ही फिश करी खाएंगे। वो दोनों पति पत्नी आज जल्दी ही अपना दुकान लगा लेते हैं। तभी चिड़िया वहाँ आती है और कालू से कहती है, कहो, आज मेरी दुकान बंद रहेगी। गौरी कहती है, हमें क्या बता रही हो, जहाँ जाना है जाओ, हम क्या तुम्हारे नौकर हैं? फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर चीलों की भीड़ आती है। अरे दोस्तों, आज ये फिश करी वाली चिड़िया कहाँ है? लगता है आज दुकान बंद है। चलो चलो, आज हम कौवों से ही फिश करी खा लेते हैं। तभी गौरी कहती है, आए आए, हमारे यहाँ के फिश करी भी चिड़िया से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। एक बार खाओगी आप तो बार बार आओगी। कालू कौवा जल्दी जल्दी सबको फिश करी देता है। चील तो फिश करी खाकर गुस्से से लाल हो जाती है और कौवे की खूब पिटाई करती है। गधे कहीं के, तुमने हमें बालू खिलाया, मारो और मारो इन्हें, मार मार के इन्हें बालू जैसा ही बना दो। फिर कालू और गौरी की खूब पिटाई होती है। वो दोनों अपनी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं।